अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ अच्छे से है। वेलकम है आप लोगों का नाजिमस किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी नई न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, वो है प्रॉन्स बिरयानी। मैंने ये जो प्रॉन्स है ना, इसे मैंने लेके आई, वो प्रॉन्स वाले से ही स्किन पूरा, ये इसकी जो स्किन हो तो पूरा क्लीन करके मैंने रेडी करके लाई हूँ। फिर अभी मैंने यहाँ पे इसके जो अंदर की जो नर्व्स होती है ना, वो मैंने क्लीन कर दी। वो क्लीन करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए पानी में वेनेगर डाल के थोड़ा सोक करके रख दी। अभी देखो इसे सोक करके अच्छी तरह से धो ली हूँ। अभी धोने के बाद कितना अच्छा क्लीन भी हो गया है, एकदम वाइट भी हो गया है। क्योंकि ये वेनेगर में भिगाएंगे तो उसकी जो स्मेल है ना, वो झींगे प्रॉन्स की जो स्मेल वो आती नहीं है, और प्रॉन्स की स्मेल आती तो अच्छा नहीं लगता खाने में। इसलिए मैंने इसे वेनेगर में डाल के 5 मिनट के लिए भिगो के रखी थी। ठीक है, अभी चलिए मैं बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कम से कम होएगा, ये 2 या 3 वाटा मैं लाई हूँ। अभी इसे 1/2 kg जितना होएगा प्रॉन्स। ठीक है, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी मेरे साथ आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहना और मेरी फुल वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। अगर स्किप करेंगे तो आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अभी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैन में मैंने 6 से 7 टेबलस्पून जितना ऑयल डाली हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं हम लोग, इसलिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑयल ऑलरेडी मैंने डाल के रख दी हूँ। अभी ऑयल गर्म हो गया, अभी इसमें करी लीव्स ऐड कर रही हूँ। ये 5 से 6 ऑनियन है, इसे भी मैंने चॉप करके रेडी करी हूँ। अभी हमें इसे हल्का लाइट ब्राउन कलर, जितना प्याज को जो है ना वो थोड़ा रेड थोड़ा करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन जितना हमें इसे करना है। ठीक है, देखिए इसे हल्का सा ब्राउन करना है हमें। ठीक है, मेरी ब्राउन थोड़ा होने आए हैं, ठीक है, हल्का ब्राउन करेंगे। इसे कच्चापन है तो फिर इसकी ये ऑनियन की ना स्मेल आएंगी कच्चेपन के। हल्का सा ब्राउन करना है। ठीक है, देखिए अभी ब्राउन होने आए हैं, अभी थोड़ी देर रहने देते तो अच्छी तरह से थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाता है। ठीक है, देखिए हल्का ब्राउन होने आया है। अभी अब इसमें हम एक मीडियम साइज की टमाटो वो ऐड करेंगे, वो कैप्सिकम। ठीक है, ये कैप्सिकम और ये टमाटो ये ऐड कर देंगे इसमें। मैं कैप्सिकम थोड़ा दाल में ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें अच्छा थोड़ा फ्लेवर आएंगे कैप्सिकम का भी। ठीक है, इसे भी हमें मिक्स करके अच्छी तरह से सौते करना है। हम साथ में प्रॉन्स भी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कवर करके इसे थोड़ा टमाटो कैप्सिकम उसे थोड़ा सॉफ्ट करने देते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए अभी क्या है झींगे का, देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया मस्त एकदम। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी ऐड करेंगे, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है और 2 टेबलस्पून जी धनिया पाउडर है वो ऐड करेंगे, और ये 1 टेबलस्पून जितना स्पाइसी मसाला है, और ये फिश का मसाला है, फिश और प्रॉन दोनों में ऐड कर सकते हैं वो ऐड करेंगे। अभी इन सबको मिक्स करना है। ठीक है, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। एक तो एक हाथ से मोबाइल पकड़े, दूसरे हाथ से शूटिंग करो वीडियो की, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलिए अभी दही भी ऐड कर देते हो, 1 से 2 टेबलस्पून जितनी है दही वो ऐड कर देंगे इसमें। सबको मिक्स करना है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी इसमें 1/2 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे,
अभी इसके थोड़ी देर हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हाई फ्लेम से इसके मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह मसाला भी भुन जाए और झींगा अच्छी तरह से गल जाए, तब तक हमें इसे 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। अभी पहले हाई फ्लेम पे थोड़ा 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करते हैं, इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड अभी इसे मीडियम टू लो फ्लेम कर देते हैं। देखिए मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, इसे कवर करके 5 से 10 मिनट इसे कुक होने देते। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से मस्त खुशबू आ रही है, एकदम यम्मी यम्मी अच्छी तरह से सब अच्छी तरह भुन गया, झींगे विंगे सब। अभी हम इसे इसमें चावल ऐड करेंगे फिर दम देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मैंने राइस को बॉईल करके सॉल्ट और ऑयल और तेजपत्ता ज़ीरा सब डाल के इसको बॉईल कर दी थी, 50% ही सब मैंने बॉईल की हूँ। अभी दम देंगे तो और बॉईल हो जाएंगे वो 50%। ठीक है, ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें इसे, क्योंकि दम देना ना हमें इसलिए। चलिए अभी इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। ये ग्रीन चिली वो थोड़ा ऐड कर देंगे, इसमें दम होगा तो अच्छी तरह से हो जाएगा ग्रीन चिली। ठीक है, देखिए चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें राइस ऐड करते हैं। सब जगह इस तरह कर देना। आप लोगों को बाहर शोर की आवाज़ आती होगी ना, वो इग्नोर करना क्योंकि मेरा घर मार्केट के पास है इसलिए आवाज़ आ रही है। ठीक है, अभी जो ये तज पत्ता है ना ये निकाल देंगे हम। ओके, इन सबको ऐड कर देते हैं। अभी इसमें हरा धनिया स्प्रेड कर देंगे। अभी ये फूड कलर है वो ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसे स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट हम इसे दम लगाएंगे। ठीक है, हमने इसे सिल्वर फॉइल लगा दिया है, सिल्वर फॉइल लगा के इसे भी कवर कर देंगे तो अच्छा पैक हो जाएगा, तो दम भी अच्छे से हो जाएगा और खुशबू भी इसकी अच्छी बेहतरीन आएंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरी प्रॉन्स बिरयानी बनके रेडी हो गई। अभी मैंने आपको सर्व करके दिखा दी और बहुत ही यम्मी यम्मी ज़बरदस्त बनी और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसी थी और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरी मिलती हूँ एक अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।